दोस्तों जब भी आप कोई ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं तो उसमें कमेंट का होना, कमेंट सिस्टम कैसा है, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत निर्भर करता है इस पे कि आपकी साइट पे एंगेजमेंट कैसा होगा यूज़र्स का। अब चाहे आप यूट्यूब देखिए, यूट्यूब में जो कमेंटिंग सिस्टम है उसमें देखिए लोग अक्सर ही वीडियो देखते देखते जितने भी कमेंट्स हैं उनको पढ़ना पसंद करते हैं और तरह तरह के डिस्कशन भी उनमें चलते रहते हैं। तो जब आप वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग लिखते हैं तो उसमें भी किस तरह का कमेंटिंग सिस्टम है, क्या वो लोगों के लिए आसान है कमेंट करना, क्या लोगों को फिर से अपना सारा कुछ डिटेल भरना पड़ रहा है जो कि लोग अक्सर भरना पसंद नहीं करते कि यार इतना सब कुछ भरेंगे फिर कमेंट करेंगे पता नहीं, और फिर थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए जिससे लोग को लिखने का भी मन करे, कमेंट करने का भी मन करे और पढ़ने का भी मन करे, और ऐसा सिस्टम हो जो कि लाइट वेट भी हो, ऐसा ना हो कि कहीं आपकी साइट पे ही भारी पड़ जाए, आपकी साइट लोड होने में डिले करे। तो ऐसे मैंने 5 प्लगइन ढूंढे हैं जिन्हें मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों फिलहाल चलिए समय नहीं गंवाते, देखते हैं ये 5 कौन से प्लगइन हैं। ग्राफ कमेंट कमेंट सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है और इसे इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने जितने भी पुराने आपके कमेंट्स हैं वो कहीं नहीं जाते, वो आपकी साइट पे ही रहते हैं। हालांकि ये एम्बेडेड टाइप ऑफ कमेंट है, यानी कि कमेंट आपके होस्टेड ग्राफ कमेंट की वेबसाइट पे ही रहते हैं और वो यहाँ पे शो होते हैं, तो वेबसाइट की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और पुराने जितने भी आपके जो कमेंट हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं, तो उससे भी कोई आपको दिक्कत नहीं होती है। अभी देख लेते हैं एक डेमो इसका किस तरह का है। तो ये देखिए ये डेमो है और इसमें आप YouTube वीडियोस वगैरह पिक्चर्स डाल सकते हैं, डिस्कशंस जो हैं वो शुरू कर सकते हैं, काफ़ी कुछ इसमें पॉसिबल है। इसमें अच्छी बात ये है कि आपके जो बेस्ट डिस्कशंस होते हैं आपके कमेंट्स में वो यहाँ पे आप पिन कर सकते हैं ऊपर, और कौन कौन लोग उसमें डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यहाँ पे बबल्स में उनको दिखाता भी है। तो बहुत अच्छा इसका इंटरफेस है और बहुत ही बढ़िया कमेंटिंग सिस्टम है ये। कमी सिर्फ यही है कि इसके जो कमेंट्स हैं वो सारे के सारे रहते हैं ग्राफ कमेंट की वेबसाइट पे, यानी कि होस्टेड रहते हैं, उसके पास आपके खुद के नहीं होते और आपको ये बैकअप लेना पड़ता है कमेंट्स का, और फिर दोबारा से आपको अगर अपनी वेबसाइट पे लेके आना है तो बैकअप लेके तब आपको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पे, तब आपके पास ये वापस कमेंट आएंगे यदि आप फ्यूचर में सोचें कि कोई और प्लगइन आप यूज़ करें। तो बस एक यही कमी है, बाकी तो बहुत अच्छा प्लगइन है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्लगइन, डीपर कमेंट्स। ये बेहद ही अच्छा प्लगइन लगा, बहुत लाइट वेट और सारे के सारे जो कमेंट्स हैं वो आप ही की वेबसाइट पे रहते हैं, आप ही के डेटाबेस में रहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ भी नहीं करना है कि जैसे आपको कमेंट प्लगइन चेंज करना हो, कुछ भी करना हो आसानी से कर सकते हैं। इसमें मीडिया ऐड करने के लिए भी ऑप्शन है, यानी आप फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। आपको मैं डेमो दिखा देता हूँ किस तरह है। तो इस तरह का ज्वाइन द डिस्कशन का ऊपर टैब है और आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से और देखने में भी बड़ा लाइट वेट और बहुत सुंदर प्लगइन है ये। यहाँ पे डिलीट करने का और एडिट करने का भी ऑप्शन है, जो कि आपके पास जो भी गेस्ट भी अगर कोई कमेंट करता है तो उसको भी एक सीमित समय के लिए अपना जो कमेंट है उसे डिलीट करने का मौका मिलता है, और कमेंट को शेयर करने का भी यहाँ पे बटन दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और लाइक और डिसलाइक का भी बटन कमेंट पे ही है। तो ये जो प्लगइन है ये बहुत लाइट वेट है और आपके जो डाटाबेस है उसी में इसके जो कमेंट्स हैं वो रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा है ये। अगला देखते हैं, ये है वूकले कमेंट्स रिएक्शन और शेयर बार। तो ये बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स आजकल यूज़ कर रही हैं बड़ी बड़ी, काफ़ी अच्छा है, बहुत आसान है, इंस्टॉल किया, क्लिक किया, एक्टिवेट किया और शुरू हो जाता है। एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ किस तरह का, मैंने प्लगइन एक्टिवेट कर लिया, रिफ्रेश कर रहा हूँ और देखिए किस तरह दिखता है ये। लोड होने में थोड़ा समय लगाता है क्योंकि एम्बेडेड कमेंट है और ये वहीं से लोड होगा उसी की वेबसाइट से। तो यहाँ पर ये आपको रिएक्शंस दे देता है ऊपर, और आप कमेंट लिखते हैं, आप GIF ऐड कर सकते हैं, आप लॉगिन कर सकते हैं, आपके जो भी यूज़र आएंगे वो लॉगिन कर सकते हैं फेसबुक से, गूगल से, ट्विटर से, डिस्कस से। तो इस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक चीज़ है इसमें कि जो भी आपके कमेंट हैं वो सारे के सारे रहेंगे,
वूकले के पास ही, और जो भी लोग यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या नाम डालेंगे वो सारे भी उसी के पास जाएंगे, यानी कि वो जो अकाउंट बनेगा वो उसी की वेबसाइट पे बनेगा। ये बिल्कुल फ्री प्लगइन है। बस यही एक कमी है कि एक तो ये एम्बेडेड कमेंट है, दूसरा ये सारा जो डेटा होगा वो चले जाएगा वूकले के पास, और एक और बात है कि जो आपके पुराने कमेंट हैं वो वापस कैसे आएंगे, वो वापस ऐसे आएंगे कि आपको उनका बैकअप लेना होगा, भेजना होगा वूकले सपोर्ट को, और वो आपके सारे कमेंट को उनके बैकअप में डाल देंगे, यानी कि उनके डाटाबेस में डाल देंगे, तो वो आपके साइट पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। यही एक तरीका है। और दूसरा, अब अगर आप कोई दूसरे कमेंट प्लगइन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको उनका पूरा का पूरा जो बैकअप है वो लेना होगा, डाउनलोड करना होगा और फिर से रीएक्टिवेट करना होगा और बैकअप को लगाना होगा। इसी तरह से आप दूसरा कोई प्लगइन के लिए जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। तो उतना तो प्रेफरेबल नहीं है ये, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ ऐसा प्लगइन जो कि आपको अगर कमेंट प्लगइन चेंज करना है तो आप बस डीएक्टिवेट कीजिए, दूसरा चालू कर लीजिए, इस टाइप का होना चाहिए। झंझट जिसमें थोड़ा भी है उस पर मत जाइए। मतलब बहुत अच्छा है यदि आप चाहें कि बहुत लंबे समय तक आप इसे रखना चाहें तो ही इसके साथ जाइए, वरना अगला देखते हैं। अब बात करते हैं डिस्कस कमेंटिंग सिस्टम की। तो ये भी फ्री टू यूज़ है और एम्बेडेड टाइप ऑफ कमेंट है, और इसमें जो है आप अपने पुराने भी जितने कमेंट हैं उनको भी लेके आ सकते हैं। जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो उनको इंक्लूड करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जब बाद में किसी और प्लगइन पे आप जाना चाहें तो अपने सारे के सारे जो कमेंट हैं उनको डाउनलोड आपको करना पड़ेगा और दोबारा से डालना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। एक तो ये बात हो गई, दूसरा इसमें कुछ कुछ दिक्कतें भी लोगों को सामना करना पड़ता है, जैसे कि सिंक डजंट वर्क। ऐसे मैं आपको रिव्यूज़ से बता रहा हूँ, तो रिव्यूज़ में काफ़ी ख़राब ख़राब रिव्यूज़ भी हैं इसके काफ़ी सारे। क्योंकि इसमें इनकी एक पॉलिसी है कि ये ऐड यूनिट एक ज़रूर अपनी लगा देते हैं कमेंट में, डिस्कस कमेंट वाले, तो लोग शायद उसको पसंद नहीं करते। आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ। डेमो इस प्रकार का है, ये डिस्कस कमेंटिंग सिस्टम है, GIF लगा सकते हैं और आप इमेज लगा सकते हैं, और ये सारा का सारा जो होस्टेड रहेगा, जो सारा ये रहेगा, ये डाटाबेस में रहेगा डिस्कस के, ये आपके डाटाबेस में डायरेक्टली नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं आखिरी प्लगइन की, जो मेरे हिसाब से अब तक का मुझे सबसे बेस्ट लगा। प्लगइन का नाम है WP Discus, और ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है। एक तो फ्री है ये, लेकिन अगर आप इसका बंडल लेते हैं, जैसे कि उसमें काफ़ी कुछ आ जाएगा, प्रोफाइल आ जाएगी कमेंट करने वाले की, और काफ़ी कुछ उसमें ऑप्शन अवेलेबल हैं, इमोजी आ जाएंगे, काफ़ी कुछ आ जाएगा, उसका पेड ऑप्शन है। लेकिन फ्री वाले में भी इतने सारे फंक्शन इसमें दिए गए हैं, और सारा का सारा आपकी खुद की डाटाबेस में रहता है सारा, तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सब्सक्रिप्शन के लिए भी इन्होंने बार यहाँ पर दे रखा है। तो ये जो प्लगइन है ये अब तक का मुझे सबसे बेस्ट प्लगइन लगा है वर्डप्रेस के अंदर। जॉइन द डिस्कशन में जैसे ही आप कमेंट कुछ लिखेंगे, पोस्ट कमेंट कर सकते हैं, उसको आप पिन कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, मतलब क्लोज कर सकते हैं थ्रेड को, नोटिफिकेशन ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ ऑन करने से ये मतलब है कि जो भी यूज़र इस पर कमेंट करेगा, और अगर वो ये नोटिफिकेशन को ऑन रखता है, तो जितने भी रिप्लाई इस पे आएंगे तो उन सब का ईमेल उसके ईमेल आईडी पे जाएगा, जो कि एंगेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो प्लगइन है मुझे अब तक का सबसे बेस्ट लगा, और काफ़ी अगर और फंक्शन आप इसमें चाहते हैं, इमोजी वगैरह, तो अलग से आपको परचेज़ वो करना पड़ता है। वोट अप एंड वोट डाउन का भी फंक्शन इसमें दिया हुआ है, तो काफ़ी कुछ है, और शेयरिंग का भी है, मोस्ट वोटेड भी है, हॉट जो हॉटेस्ट कमेंट थ्रेड है उसको भी आप क्लिक करके ऊपर लेके आ सकते हैं, तो काफ़ी कुछ इस वाले में दिया हुआ है। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। आप अपने कंटेंट की सेटिंग में भी जाके देख सकते हैं आपने कौन कौन से कमेंट किए हैं, उनको जाके डिलीट भी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपका कहाँ कहाँ है, आप किसी भी यूज़र को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी यहाँ किसी और यूज़र ने किया नहीं है, वरना यहाँ पे एक बटन आता है जिस पे आप क्लिक करके उस यूज़र को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वो जो भी कमेंट इस वेबसाइट पे करेगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो इस तरह ये जो WP Discus है ये मुझे
वर्डप्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा काम का दिखा और सबसे ज़्यादा आसान इंस्टॉल करना, बस एक क्लिक में इंस्टॉल हो जाता है, कुछ झंझट नहीं, कोई जाके कोई एम्बेडेड कमेंट नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो ये बेहद आसान लगा। तो फिलहाल दोस्तों ये थे 5 प्लगइन, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर इससे अच्छा आपको कोई प्लगइन पता हो तो। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।